दोस्तों, आप सब कैसे, उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों जानकारी देने वाले, जैसे देख सकते हैं बजाज डिस्कवर 150 बाइक है। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, पहले बता दूँ चिक सब को, ये दोस्तों खोल के रखे हैं। अब खोलने का वजह था दोस्तों, ये चिक जो है किक लग नहीं रहा था, किक फ्री जा रहा था, स्लिप जा रहा था, ठीक है फ्रेंड, इसलिए हमने खोला। और जो है दोस्तों, खोलने के बाद फाइनली हमने देखा इसका राइचर वाइचर सब चेक किया, तो सब कुछ सही है, देख सकते हैं। फिर भी इसका स्लिप जो है, किक जो है दोस्तों स्लिप जा रहा था, पकड़ नहीं हो रहा था। अब देख सकते हैं इसका राइचर सब सही है और ये भी सही है, अब देख सकते हैं। और ये दोस्तों इसका प्रॉब्लम था, हमने आपको बता दूँ, इसमें जो ये स्प्रिंग है दोस्तों, ये वाला स्प्रिंग में प्रॉब्लम था। क्या हुआ था, ये स्प्रिंग जो है दोस्तों, ये लॉक है, आप देख सकते हैं ये लॉक के इस साइड में आ गया था, तब ये दोस्तों ये रैचेट को इधर पुश नहीं करता था, इधर ही आ जाता था, ठीक है दोस्तों, ये स्प्रिंग इधर आ गया था। इसलिए हमने क्या किया, आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग को हमने ऐसे करके खोल के, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये हल्का सा दबा दिए हैं स्प्रिंग को, ये देख सकते हैं आप सही से देखोगे, ये हमने दबा दिए हैं हल्का सा। अब जो दोस्तों ये लगाओगे इस तरह करके, तो देख सकते हैं ये थोड़ा टाइट बैठेगा इसमें, तो देख सकते हैं स्प्रिंग इजी तरीके से नहीं जा रहा है। तो इस साइड से अगर डालोगे फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये इजी तरीके से चला गया, लेकिन यहाँ इसको हम जो दबाए इसलिए नहीं जा रहा है, इसलिए जो जिस साइड को हमने दबाया उस साइड को हम लॉक की तरफ रखेंगे। अब देख सकते हैं ये इस तरह करके, ठीक है फ्रेंड्स, बैठा लेते हैं इसको, देख सकते हैं इस तरीके से बैठेगा स्प्रिंग। अब जैसे देख सकते हैं ये बैठ चुका है, और बैठने के बाद सही से बैठाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना भी इधर को दबाओगे ये लॉक से इस पार को नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों राइट साइड हमारा सही काम करेगा। तो फाइनली दोस्तों इसको फिट करते हैं। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसी बाइक से रिलेटेड नई नई जानकारी पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो फाइनली फिट करते हैं, किस तरह किकर को फिट किया जाता है, इसका टाइमिंग कहाँ पर रहता है, किकर का सब चीज़ डिटेल में बता दें, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये किक सपोर्ट को हम फिट करने जा रहे हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। और उसके किक सपोर्ट को फिट करने के लिए दो लॉक है, ये स्प्रिंग है और इस तरह का तीन वॉशर है, ये छोटी वाली एक लॉक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने स्प्रिंग को डाल दिया, आपको बता दिए हैं स्प्रिंग कैसे डाला जाता है। इसके बाद ये दोस्तों हमें ये रैचेट को फिट करना है। अब इस रैचेट को फिट करने के लिए दोस्तों ध्यान से देखना, इधर से एक डॉट का निशान है, अब सही से देखोगे यहाँ पर एक डॉट का निशान आता है, और फ्रेंड्स ये सापट में इधर में एक डॉट का निशान आता है। अगर ये डॉट का निशान आपको देखने को ना मिले तो इतना समझ लेना, ये दोनों इसको चेक करना है, इसका सेंटर में आपको ये वाला डॉट जो है, ये डॉट इसका सेंटर में रखना है, और ये वाला जो स्टॉपर है कोई भी साइड में देख सकते हैं, इस साइड को या तो इस साइड को, ठीक है, इस साइड को इस तरह करके, ये वाला डॉट है, डॉट नहीं है, इसका सेंटर में करते हुए इस तरह करके आपको फिट करना है, आप देख सकते हैं इस तरह करके बैठा देना है। तो आप देख सकते हैं ये डॉट और ये डॉट, ये दोस्तों आपस में मिल चुका है, और ये कटिंग जो है दोस्तों, ये कटिंग और ये स्टॉपर आमने सामने हो चुका है, ठीक है, इतना ध्यान रखें। उसके बाद देख सकते हैं ये इस तरह पुश करना चाहिए, और उसके बाद फाइनली इस तरह का वॉशर है लगा देना है। उसके बाद ये रैचेट व्हील है, क्योंकि इसको इस तरह नहीं लगाना है, इस तरह करके लगाना है, तो उसको पकड़ के रखना है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये सेम वॉशर आता है तीनों, अब जो इस तरह करके वॉशर लगा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये लॉक है, लॉक को लगाना है, लॉक को लगाने के लिए इस तरह का फ्लैट की ज़रूरत होगी, फ्लैट की मदद से दोस्तों लगाना है, देख सकते हैं इसमें खांचा होता है फ्रेंड्स, तो खांचा में बैठा लॉक को,
हैं ये खांचा में बैठ चुका है ठीक है फ्रेंड्स, और ये फ्री चल रहा है, ये जाम नहीं होना चाहिए, फ्री चलना चाहिए। और ये दोस्तों इस तरह इसको घुमा के इस तरह काम करना चाहिए, देख सकते हैं जैसे कि इस तरह अभी ये प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद ये इधर को एक वॉशर लगा देना है इस तरह करके, और ये दोस्तों फाइनली इंजन में फिट करता है। अब देखते हैं इंजन में किस तरह फिट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा सापट है, एक सापट इसको फिट करना है, और फिट करने के लिए ये कटिंग दे रखा है दोस्तों। ये कटिंग जो है दोस्तों उसके अंदर हॉल्स है, और हॉल्स के अंदर एक स्प्रिंग है दोस्तों, आप देखना ध्यान से वो वाला हॉल्स में, और देख सकते हैं उसके अंदर जो स्प्रिंग दिख रहा है फ्रेंड, उसमें ये वाला कट जो है, ये कट को उस वाले स्प्रिंग में फंसाना है, और बाद में तो फंसा के दोस्तों कुछ इस तरह का से इस तरह फंसा के इस तरीके से कर घुमाना है दोस्तों। और ये वाला जो गैप देख रहे हैं आप, देख सकते हैं ये वाला गैप, ये वाला स्टॉपर को ये वाला गैप में बैठाना है। तो फाइनली फिट करते हैं, देखना ध्यान से भाई। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया ये वाला खाचा जो कटिंग है वो वाला स्प्रिंग में बैठाते हैं, और वाशर का ध्यान रखें, ये वाला वाशर जो है, ये वाला वाशर होना चाहिए कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हैं ये इस तरह काम करना चाहिए, स्प्रिंग में बैठ चुका है। उसके बाद जो इस ये किकर है इधर को फंसाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस साइड में घुमाना है, ऐसे करके घुमाना है इस तरीके से, यहाँ पर अंदर की तरफ धक्का मारना है। ठीक है जैसे कि देख सकते हैं ये फिट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला स्टॉपर है, और किक मारने पर दोस्तों ये इस तरह देख सकते हैं, इस तरह काम करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये इस तरह काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह अब जो है दोस्तों किकर हमारा काम कर रहा है, अभी फ्री नहीं जा रहा है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई हो, अगर जानकारी पसंद आई दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। क्लच कवर देख सकते हैं, ये क्लच कवर को फिट करना है, क्लच कवर फिट करने के लिए दोस्तों वायरिंग देख सकते हैं, ये वायरिंग गिर गया था, इसको लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये बुश है, वो क्रैंक में जो ऑयल जाता है ये वाला बुश का ध्यान रखें, और इस तरह इसको घुमाओगे तो नहीं घूमना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अंदर की तरफ बुश होना चाहिए, और दोस्तों इधर से वाशर आता है वो लगा देना है, तो फाइनली इसका क्लच कवर को बंद कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेट नहीं मिलता है दोस्तों, और आप एक लाइक करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें मोटिवेट मिलता है। आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता है दोस्तों, आप जो है ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और इस तरह का जानकारी लेते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कितना ईजी है इसका गियर शाफ्ट को फिट करना। तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।